इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। इस्तीफा लगभग 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा। नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, अब चर्चाएं ये भी चल रही है कि इस्तीफा दिलाया गया या फिर इस्तीफा दिए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और कौन लोग चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और कौन लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाएं और वो मुख्यमंत्री बने रहें। देखिए, तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। पीछे से सवाल राजू, देखिए आज की ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके 1 सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से, और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कंपिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है, और इसीलिए 1 सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई और 29 तारीख को आपने देख लिया। इस्तीफा लगभग 1 सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया, और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये प्रकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे, अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, तमाम जो प्रकरण है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे जीतन राम मांझी वो आपने सुना है, बल्कि इतना तक कह रहे हैं कि ये जो कहानी है वो पहले ही लिखी गई थी, बंद लिफाफे में जो लेटर है वो पहुंचाया गया था और पार्टी में इधर उधर कुछ ना हो इसीलिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी।
फिलहाल के इतना ही, आप बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।